हैशटैग मोदी रोजगार दो। ये हैशटैग रविवार यानी 22 फरवरी की सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता नजर आ रहा था। अब इस हैशटैग को देखकर ये बात तो साफ समझ आ रही है कि लोग इस हैशटैग के जरिए प्रधानमंत्री से रोजगार की मांग कर रहे हैं। लेकिन रोजगार की मांग करते करते अब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कौन सी नई अटपटी सी मांग करनी शुरू कर दी, ये सब बताएंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कब और क्या ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन पर आ जाए कुछ पता नहीं चलता। अभी जहां कुछ दिनों पहले तक हैशटैग पारी हो रही है, हैशटैग श्वेता या माइकी जॉन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, वहीं अब ट्विटर पर रविवार की सुबह से ही हैशटैग मोदी रोजगार दो काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा था। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, किसान आंदोलन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अक्सर लोग सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ ही जाते हैं। और अब एक बार फिर से लोग हैशटैग मोदी रोजगार दो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। अब ये जो कैंपेन लोगों ने शुरू किया है उसमें सबसे ज्यादा संख्या स्टूडेंट्स की है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ इस कैंपेन में ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। उनका कहना है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जो असली बवाल है वो तो 25 फरवरी की सुबह 11 बजे से होगा, जहां इस कैंपेन को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की तैयारी है। आइए जानते हैं इस हैशटैग मोदी रोजगार दो के पीछे की पूरी कहानी। बता दें कि हर साल मंत्रालय के दूसरी और तीसरी श्रेणी के लिए परीक्षाएं होती है जिसका नाम है CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। हर साल लाखों बच्चे इस परीक्षा में भाग लेते हैं और इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होती है। बता दें कि नवंबर 2020 में तीन चरणों में CGL की परीक्षा हुई यानी 15, 16 और 18 नवंबर। चार दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को इस परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड करने लगा। सरकार के खिलाफ लोग विरोध जताने लगे। लोगों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर बहुत आसान था और उन्होंने काफी अच्छा स्कोर भी किया। कई स्टूडेंट्स ने 200 अंक के इस पेपर में पूरे 200 अंक हासिल किए, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि 18 नवंबर को कट ऑफ को लेकर जो घोषणा की गई उसमें 100 अंक तक काटे गए। वहीं जिन्होंने 15 और 16 नवंबर को परीक्षा दी थी उनके 70 से लेकर 80 अंक तक बढ़ा दिए गए। अब इसी चीज को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ है। वैसे ही कोरोना महामारी के बाद देश में रोजगार को लेकर जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। ILO के आंकड़ों के मुताबिक पूरे विश्व में जो रोजगार दर है वो 57% है, जबकि भारत में रोजगार दर 47% है। बता दें कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश भी इस मामले में भारत से आगे हैं। तो वहीं अब देश के युवा भी देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर काफी परेशान हैं। देश के युवाओं के पास किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है, इसलिए लोगों ने बेरोजगारी से परेशान होकर रविवार यानी 22 फरवरी की सुबह से ही हैशटैग मोदी रोजगार दो के जरिए प्रधानमंत्री से रोजगार की मांग की है। मोदी रोजगार दो की मांग के साथ लोगों ने ट्विटर पर जमकर ट्वीट किया। बता दें कि ट्विटर पर लोगों द्वारा 2 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट किए गए, जहां लोगों ने ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार के वादे कहां हैं। इसके अलावा भी कई ट्विटर यूजर ने प्रधानमंत्री से रोजगार बढ़ाने की मांग की। अभिषेक कुमार वर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि क्या हुआ तेरा वादा। तो वहीं हरिओम नाम के यूजर ने लिखा, अब और अधिक मन की बात नहीं, अब रोजगार की बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आम जनता बेरोजगारी को लेकर ट्वीट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, सुनो जन के मन की बात, हैशटैग मोदी रोजगार दो के जरिए रोजगार की मांग करने तक तो ठीक था, लेकिन अब यूजर्स रोजगार के साथ साथ गर्लफ्रेंड की भी मांग करने लगे और हैशटैग मोदी रोजगार दो की जगह हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो ट्रेंड करने लगा। बता दें कि पहले तो हैशटैग मोदी रोजगार दो खूब ट्रेंड हुआ, मगर कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो ट्रेंड होने लगा। यूजर्स ने हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो पर खूब मीम्स भी शेयर किए हैं। बता दें कि जहां रविवार सुबह तक ट्विटर पर हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा था, वहीं उसके कुछ देर बाद ट्विटर पर हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो टॉप ट्रेंड करने लगा। और अब नई खबर और है कि इन दो हैशटैग के बाद एक नया हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, जो है हैशटैग मोदी बॉयफ्रेंड दो। तो फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो तुरंत आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।